वेलकम टू द डायस्पल स्टडी अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। रिसेंटली गौतम अडानी जो है थर्ड पोजीशन में थे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में, और अभी ये जंप करके सेकंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो अभी फोर्ब्स के हिसाब से गौतम अडानी जो है दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन, दूसरे अमीर आदमी बन चुके हैं। हम लोग देख लेते हैं कि 16 सितंबर यानी कि आज के दिन 2022 में जो है फोर्थ पोजीशन में जेफ बेजोस जो कि सेकंड से फोर्थ पोजीशन में पहुंच चुके हैं, और थर्ड पोजीशन में बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, और जो है गौतम अडानी इनको सरपास करते हुए सेकंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं। हालांकि तो फोर्ब्स के हिसाब से ये नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन चुके हैं गौतम अडानी जो कि सेकेंड पोजिशन में पहुँचने वाले हैं। और फर्स्ट पोजिशन में तो बने हुए हैं इलॉन मस्क। तो ये जो नंबर्स है ये 16 सितंबर 2022 के हिसाब से कुछ डाटा, ये जो नंबर्स है ऊपर नीचे होते रहते हैं। फोर्ब्स के हिसाब से माने तो फोर्ब्स जो है डेली बिलियनर्स की इंडेक्स निकालता है, तो सेकंड पोजीशन में गौतम अडानी जी पहुंच गए हैं, और मे बी सेकंड से ये थर्ड हो सकते हैं क्योंकि बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली के पास और गौतम अडानी के पास लगभग लगभग सेम वेल्थ के आसपास का है। तो जो शेयर्स की प्राइसेस है वो हल्का सा भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत फ़र्क दिखने मिल सकता है, और गौतम अडानी में भी थर्ड में और बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो है सेकंड पोजीशन में जा सकते हैं। तो ये तो नंबर्स गेम से चलते रहता है, लेकिन जो खुशी की बात है गौतम अडानी जो इंडिया से जो है सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं अभी के वक्त 16 सितंबर 2022 को। ये फोर्ब्स का आर्टिकल है, अडानी स्केल्स न्यू हाइट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड रिचेस्ट पर्सन। ये देख सकते हैं 16 सितंबर 2022 6:15 AM के आसपास का है। तो हम लोग देखते हैं अडानी जो है, अडानी ओन्स 6 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज जो कि पोर्ट्स वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह, ग्रीन एनर्जी के मामले में, डाटा सेंटर्स एंड काफ़ी कुछ के बारे में इनकी जो है बिजनेसेस होती है। लास्ट महीने ही जो है NDTV के जो शेयर्स खरीदे थे इनसे भी इनका जो शेयर्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ये देख सकते हैं हम लोग द रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट एज ऑफ 16 सितंबर, टाइमिंग बोले तो 11:30 के आसपास का ये टाइमिंग है। तो 16 सितंबर 11:30 यानी कि 11:30 PM के आसपास रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट है फोर्ब्स के हिसाब से। तो वन में तो इलॉन मस्क हैं, और सेकंड में बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो कि हमें हमने बात की नंबर्स थोड़े बहुत आसपास ही हैं 154 एंड 152, तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये जो है 16 सितंबर को जो गौतम अडानी जी थर्ड में अभी तो, लेकिन ये सेकंड में पहुंच गए थे और फिर हालांकि फिर नीचे आ चुके, तो ये तो ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन जो खुशी वाली बात है कि इंडिया से पहली बार जो है सेकंड पोजीशन पहुंचना ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और वहीं बात करें तो जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक हैं वो अभी फोर्थ पोजीशन पे हैं, और इलॉन मस्क तो काफ़ी समय से फर्स्ट पोजीशन में बने हुए हैं। आगे बात करें तो मुकेश अंबानी जी हैं वो 8th पोजीशन में आ गए हैं। ये फोर्ब्स का लिस्ट है रियल टाइम बिलियनर्स का। तो जो मुकेश अंबानी का नेटवर्थ है वो है $91.4 बिलियन के साथ। और इसी तरह बात करें तो 5th में है बिल गेट्स, 6th में है लैरी एलिसन एंड 7th में है वॉरेन बफेट। आगे हम लोग बात करें तो फोर्ब्स जो होता है एक रियल टाइम बिलियनर्स रैंकिंग निकालता है जो कि डेली अप्स एंड डाउन्स को रिकॉर्ड करता है पूरी दुनिया भर में। और हम लोग बात करें तो जेफ इसका जो वैल्यू होता है पब्लिक होल्डिंग्स का वो अपडेट होता है एवरी 5 मिनट्स में। तो हाँ, ये जो है स्टॉक्स के प्राइसेस हो गया, शेयर्स के प्राइसेस हो गया, ये सब को मेंटेन करता है, इस सब को अपडेट होते रहता है, अपडेट करते रहता है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो प्राइसेस अप डाउन्स होते रहते हैं तो जो रैंकिंग्स होती है नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऊपर नीचे होती रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं गौतम अडानी जो है 60 ईयर्स के हो चुके हैं, वो अभी बन चुके हैं इंडिया का तो रिचेस्ट पर्सन है ही, और एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। वो फरवरी में ही बन चुके थे और अभी तो जो है सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके पूरे वर्ल्ड के, हालांकि अभी थर्ड नंबर पर आ चुके हैं। तो जो गौतम अडानी जी हैं वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे और सबसे पहले जो है
डायमंड यानी कि हीरे का व्यापार में ये शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो डायमंड के व्यापार है उसको स्विच करते हुए फिर कोल में गए, और फिर अभी जो थर्ड बने थे रिसेंटली ब्लूमबर्ग्स के हिसाब से, और जो अभी सेकंड बने हैं फोर्ब्स के हिसाब से, और फिर से थर्ड में आ गए। लेकिन यानी कि यहाँ देखने वाली बात है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है गौतम अडानी जी अभी तो पूरे वर्ल्ड लेवल में होल्ड करते ही करते हैं। और आगे बात करें तो हालांकि इन्होंने जो है बैचलर्स डिग्री के लिए इनरोल किया था लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिए। कहाँ से? तो कॉमर्स एट गुजरात यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर में आते आते ये ड्रॉप कर चुके थे। अभी बात करें तो जो गौतम अडानी जो है वो चेयरमैन एंड फाउंडर है अडानी ग्रुप के, जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, एक पोर्ट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि इंडिया में ऑपरेट करती है और साथ ही साथ बाहर भी ऑपरेट करती है। अडानी की बात करें तो वो प्रेसिडेंट भी है अडानी फाउंडेशन के, विच इज़ प्राइमली लेड बाई हिज वाइफ। जो अडानी फाउंडेशन है वो उनकी वाइफ रन करती है, प्रीति अडानी जी। और आगे बात करें तो जो अडानी ग्रुप है काफ़ी बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। अडानी ग्रुप की बात करें तो जो अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, अडानी पावर, पावर सेक्टर में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, ट्रांसमिशन हो गया, गैस हो गया, माइनिंग हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, काफ़ी एयरपोर्ट्स इनके पास हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, रोड्स, इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्राज। तो ये काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो कि अडानी रन करते हैं, इसीलिए अभी ये सेकेंड और थर्ड पोजीशन तक पहुंच पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में, और ये गुजरात से हैं। तो ये इंडिया से हैं तो ये काफ़ी गर्व की बात है। इस वीडियो में इतना ही, बस एक छोटा सा अपडेट था कि गौतम अडानी जी सेकंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं, पूरे दुनिया भर में सेकंड अमीर आदमी बन चुके थे 16 सितंबर 2022 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।